आराम से रहना है तो होश में आ जाओ और अपने नोटों को चेक कराओ, कहीं वो नकली तो नहीं। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि नकली नोट वेदास सिटी में ही बनते हैं और यहाँ से। लड्डू सिंह जी, मार्केट में इतने नकली नोट आ गए हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? लड्डू सिंह के इलाके में नकली नोट? सखाराम, लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर लोग असली नोट चलाने में डरते हैं कि कहीं लड्डू सिंह ना आ जाए, और तुम लोग नकली नोटों की बात कर रहे हो। ये लो मेरे सामान के 100 रुपए। लड्डू सिंह जी, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी शेखी बगा रहे थे, मेरे इलाके में ये, मेरे इलाके में वो, और खुद नकली नोट लेके घूम रहे हो। अपने इंस्पेक्टर होने का फायदा उठाना चाहते हो है? क्या बोल रहे हो तुम? दिखाओ है? मेरे पास भी नकली नोट? नहीं छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। अब तो हद ही हो गई। शहर से बाहर जाने वाले सब रास्तों में नाकाबंदी कर दो। चलो जल्दी, मेरे इलाके में नकली नोट? मेरे होते यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तुम लोग नकली नोटों की हेरा फेरी करते हो। गाड़ी का एक एक पुर्जा चेक करो, इंजन, साइलेंसर, सीट, बोनेट। अरे लड्डू सिंह जी, पूरा सामान तोड़ दिया। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकलने न पाए। चलो खोलो, चलो चलो जल्दी से डिक्की खोलो। इंस्पेक्टर साहब, आप चेकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे ट्रक में बर्फ की सिल्लियाँ लोडेड हैं। मुझे जाने दीजिए, नहीं तो सारी बर्फ पिघल जाएगी। किसी को जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा, समझे? आइस की स्लैब तोड़ कर अंदर तक चेक करो। ओके सर। ठीक है साहब, आपने मना कर दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। बॉस, इंस्पेक्टर तो बहुत कड़क है, आइस स्लैब तोड़ने की बात कर रहा है, अब क्या करूँ? फिकर मत कर, मैं किसी तरह इंस्पेक्टर का ध्यान भटकाता हूँ, और तुम लोग मौका पाते निकल जाना। बेड़ाराम, वो कौन निकला? लगता है वही नकली नोटों वाला आदमी था, चेकिंग के डर से आ गया। शिवा, बातें बच्चे, हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। तुम्हारे नाम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, हटो मेरे सामने से। जब तक लड्डू सिंह जी नहीं आ जाते, आप कहीं नहीं जाएंगे। कौन रोकेगा मुझे? तुम? वो तो मैं तैयार नहीं था। अब आओ, यू वॉन्ट टू फाइट विद मी?
मारो मारो मुझे। शिवा क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। उसने मेरी आंख में कचरा फेंक दिया और अपनी कार यहाँ छोड़कर भाग गया। शिवा कहीं वो अपनी कार में ही तो छुपा नहीं बैठा है? कहाँ है? है इधर है, बाहर बाहर। लड्डू सिंह जी दूर से ही दिख जाए ऐसा लंबा आदमी था वो। क्या कहा? लंबा आदमी? अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो शिवा, वो बचकर नहीं जा सकता। इस आदमी का मुंह कहाँ पर है? पेड़ा राम, इस आदमी का मुंह कौन से फ्लोर पर है? अच्छा ऊपर है ऊपर। अरे भाई साहब ऊपर हवा पानी सब ठीक है ना? ओके। अच्छा तो तुम हो, चलो चलो रहने ही दो। तुम नकली नोटों का धंधा करते हो? क्या बात कर रहे हैं लड्डू सिंह जी, मेरी तो मार्केट में छोटी सी कपड़ों की दुकान है। तुम मुझे देखकर नजर क्यों चुरा रहे हो? बोलो बताओ कहाँ है सारे नकली नोट? लड्डू सिंह जी मैं तो ईमानदारी से कमाता और खाता हूँ, आज तक किसी का एक रुपया नहीं मारा, तो नकली नोट का धंधा क्या करूँगा? कान खोल कर सुन लो, तुम में से जो भी नकली नोटों के रैकेट के पीछे है खुद सामने आ जाए। हाय, खुद बता दिया तो सिर्फ उम्र कैद होगी, नहीं बताया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या सजा होगी, समझे? इंस्पेक्टर साहब उम्र कैद की सजा के बाद बचेगा ही क्या, हम सब ईमानदार लोग हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। कहाँ है इंस्पेक्टर लड्डू सिंह? अरे बेकसूर पतियों को पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? बहनों लड्डू सिंह से असली मुजरिम कभी पकड़े नहीं जाते, तो वाह वाही लूटने के लिए बेकसूरों को भी परेशान करता रहता है। मारो इसे। देखो पुलिस को मारना कानूनन जुर्म है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। हेल्प हेल्प बचाओ। उस लंबे आदमी की कार में तो कुछ गलत सामान या नकली नोट थे भी नहीं, फिर भी वो भागा क्यों? शिवा मुझे लगता है उसने बड़ी प्लानिंग के साथ लड्डू सिंह जी का ध्यान डाइवर्ट किया और उनको अपने पीछे लगाकर दूसरे साइड से सामान निकलवा लिया। करेक्ट रेवा, ऐसा ही हुआ होगा। लड्डू सिंह जी टोल चेक पर कोई खास इंसिडेंट हुआ है क्या? कोई खास इंसिडेंट नहीं तो शिवा। पर था ना वो आइस से भरा ट्रक जो पहले निकलने के लिए हमारे पीछे पड़ा था। लड्डू सिंह जी वो लंबा आदमी भी आइस फैक्ट्री के पास ही गायब हुआ था। आई एम श्योर आइस में ही नकली नोट छुपाकर स्मगलिंग हो रही है। लड्डू सिंह जी अगली चेकिंग में आइस ट्रक को भी अच्छे से चेक करना है। ओके शिवा। इंस्पेक्टर साहब मेरे ट्रक में तो सिर्फ आइस की सिल्लियां हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा? प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाने दो, तुम कहीं के राजा हो जो मैं तुम्हारी बात मान लूं? हाय बेड़ा राम, आइस ट्रक को अच्छे से छान मारो, इसमें जरूर कुछ मिलेगा। चलो चुपचाप नीचे उतर जाओ। चलो सर
सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरे मालिक का फोन आ गया, मुझे अभी डिलीवरी करनी है, लेट हुआ तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। शिवा! ट्रक के ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, पुलिस को देखते ही चेकिंग से खिसका। अच्छा बेड़ा राम, सारे आई स्लैब चेक करो, जरूरत पड़े तो तोड़ ही डालो। लड्डू सिंह जी, सारी सिल्लियां तोड़ दोगे तो मुझे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा मत करिए, क्यों मेरी मेहनत की कमाई पर कैंची चला रहे हो? मेहनत की कमाई या नकली नोटों की कमाई? जल्दी बताओ, नकली नोट कहाँ छुपा कर रखे हैं? पुलिस की आंखों में तुम धूल नहीं झोंक सकते। अगर तुम ईमानदार थे तो चेकिंग से भागे क्यों? तो क्या करता मैं? आप रोज टोल चेक पे घंटों चेकिंग कर रहे हैं, मुझे टाइम पर हाई स्लैब पहुँचाने होते हैं। अगर मैं घंटों तक चेकिंग में खड़ा रहूंगा तो बर्फ पिघल कर पानी हो जाएगी, उधर मेरा बॉस पैसे काट लेगा। लड्डू सिंह जी, लगता है ये सच बोल रहा है। हमें दूसरे ट्रक के साथ उलझा कर असली माल वाला ट्रक फिर से निकालने में कामयाब हो गया। ओहो, तो क्या करें शिवा? इस तरह तो हम रोज चेकिंग करते रह जाएंगे और हाथ कुछ नहीं लगेगा। आइस और नकली नोटों में कुछ तो कनेक्शन है। वो लंबा आदमी भी आइस फैक्ट्री के पास ही गायब हुआ था। हमें आइस फैक्ट्री जाकर ही पता लगाना चाहिए। शिवा बस, अब सारे राज आइस फैक्ट्री में ही खुलेंगे। मैं अकेले आइस फैक्ट्री जाऊंगा और बर्फ का बर्फ और पानी का पानी कर दूंगा, देखना। चलो चलो, आज की ड्यूटी खत्म। के लिए कॉफी पैकेट हो गया। चलो, बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया है। ओ। अच्छा, ये लोग नोटों को सील करके पानी में जमा रहे हैं। ये तो इंस्पेक्टर लड्डू सिंह है, कब से पीछे पड़ा था। अच्छा हुआ जम गया। अब अंदर कैसे जाएं? फैक्ट्री का शटर तो डाउन है। अंदर जाने का कोई ना कोई हिडन डोर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब वो मेरे चेहरे पर सैंड फेंक कर भागा था तो वो यही कहीं से आया था।
ज्यादा दूर तक भागा होता तो मुझे जरूर दिखा होता। उस दिन भी आइस फैक्ट्री का ये शटर डाउन था, मैंने दूर से ही देखा था। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, एक बार मैं अपने कुछ गांव के लोगों के साथ किसी खजाने की तलाश में एक पुराने किले पहुंचा। उस पुराने किले का हजारों साल पुराना गेट बंद पड़ा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अंदर जाएं तो जाएं कैसे। तभी मुझे गेट के बगल में एक पुरानी मूर्ति दिखी। मैंने उस मूर्ति को पकड़कर जैसे ही घुमाया, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। आदि यू जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आदि यू सच अ जीनियस। थैंक यू। जीनियस तो मैं बचपन से ही था, लेकिन कभी अपने पर घमंड नहीं किया। शिवा जल्दी करो, सांस नहीं ले, बाहर निकालो। लड्डू सिंह के पीछे पीछे तुम लोग भी यहाँ पहुँच गए। स्पेक्टर तो सेट हो गया है, उसको वहीं सेट रहने दो। बच्चे तुम लोग हमारे साथ चलो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। Well done, Shiva. तुम उन लोगों से निपटो और रेवा एडी यूडी तुम लोग आइस तोड़ो। चलो। Hey, क्या चल रहा है? जमाए प्लान को पिघला डाला। शिवा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। Ha ha ha!